नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के पूरे परिवार की ओर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी सरस्वती आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, यही कामनाओं के साथ हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। सरस्वती माँ को ज्ञान और संगीत की और कला की देवी कहा जाता है, इसलिए श्रद्धालु माँ सरस्वती की इस दिन सच्चे मन से पूरा पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसी दिन बसंत का भी आगमन हुआ था, जो कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि और खुशहाली का एक प्रतीक है। दोस्तों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में किस तरह से मनाया जाता है बसंत पंचमी का त्यौहार। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बच्चों के सर पे पीला कपड़ा है, वैसे बच्चों को पूरे पीले कपड़े पहनाए जाते हैं और सर पे जो होती है वो नई नई अभी उगी होती है उसको निकाल के, जमीन से निकाल के सर पे रखा जाता है। यह हमारी पुरानी सभ्यता से चला आ रहा है और अभी तक चलता रह रहा है। अब धीरे धीरे जो कपड़े थे वो एक टोपी या फिर कहें हम एक रुमाल में सीमित हो गए, लेकिन धीरे धीरे अगर हमारा हाल ऐसे ही रहा तो हम धीरे धीरे अपनी और सभ्यता को धीरे धीरे खो देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे यहाँ बसंत पंचमी उत्तराखंड में हमारे घरों में मनाई जाती है उसको बड़े धूमधाम से मनाएं। और हिंदू धर्म में तो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, यह भारतवर्ष के अलावा कई और अन्य देशों में भी बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी का जो हमारा हिंदू धर्म है इसमें बहुत बड़ा महत्व इसका है। यह त्यौहार हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ में मनाया जाता है। यह प्रत्येक माघ के पांचवें दिन पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती जी को ज्ञान का प्रतीक हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दोस्तों, बसंत पंचमी को श्री पंचमी व सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घर, स्कूल व दफ्तर में पीले रंग के फूल से सजाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि सर में पीला कपड़ा रखते हैं और जौ रखते हैं, तो मैं और उसके साथ आपको उत्तराखंड में किस तरह से मनाया जा रहा है ये बताने की कोशिश करूँगा। हमारे घरों में ढेली होती है, उसको जो गोबर का लेप होता है उससे लीपा जाता है या कहे उसमें पोता जाता है। उसके बाद वहाँ जौ होती है उसको वहाँ पर डाला जाता है और वह शुद्धता और समृद्धि का एक प्रतीक माना जाता है हमारे उत्तराखंड में। जौ तिल को ढेली पे डालना और गोबर से लेप करना, यह हमारे हिंदू धर्म में भी एक बहुत बड़ा महत्व है गौ माता का, ये आप सभी जानते होंगे। और दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन से ही जो सरसों हैं वो आपको फूलनी शुरू दिख जाएगी खेतों में, और साथ ही जो चीड़ के पेड़ों से जो उसमें फूल आया रहता है उस वो उड़ता है, तो ये एक बहुत अच्छा दृश्य हमारे उत्तराखंड में इस मौसम में जो बसंत ऋतु है इसमें देखने को मिलता है। बसंत ऋतु को दोस्तों ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से त्यौहार और ये मौसम ऐसा रहता है ना, इसमें ज़्यादा सर्दी रहती है और ना ज़्यादा गर्मी रहती है, तो बहुत अच्छा मौसम रहता है इस टाइम पर, बसंत पंचमी के टाइम पर उत्तराखंड में। कभी आए दोस्तों देखने और कैसे मनाया जाता है यह त्यौहार, यह मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉगर, व्हाट्सएप, ट्विटर पर मुझे फॉलो कीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।